सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थंबनेल ट्यूटोरियल के और एक प्यारी सी वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाला थंबनेल, और ये एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है जो मैं कल रात को ट्राई कर रहा था और कुछ नया ही बन गया मेरे से। तो खैर आप बताओ ये थंबनेल आपको कैसा लगा, 1 से 10 के रेटिंग में आप इसे कितना रेट करोगे, और बताओ आप और भी कुछ नया टाइप का वीडियोस चाहिए तो आपको कमेंट में जाके बता सकते हो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई हम लोग 300 सब्स के बहुत ही नज़दीक है। कई लोग जो है वो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग 17% मेरे वॉचर्स ही सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो और बताओ ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जब तक पबजी अनबैन नहीं होता तब तक मैं उसका मोंटाज नहीं डालूंगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, खैर वो तो फ्यूचर ही बताएगा। और हाँ, अगर आप फाइल के लिए आए हो, सिर्फ फाइल के लिए, तो वो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वीडियो के कहीं बीच में आपको पासवर्ड मिल जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी। और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट जगह पे वॉइस ओवर भी करूँगा। खैर देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेंगे, उसके बाद वर्क स्टार्ट करते हैं। Baby up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word. खैर अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, और ये पार्ट थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं सोचा यहाँ पे वॉइस ओवर कर देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको दोनों जो टेक्स्ट है, एक मेक दिस ऑन और जो ये दूसरा टेक्स्ट एंड्रॉयड, दोनों को अलग अलग लेयर बना लेना है जो आपने अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद क्या करना है, मेक दिस एंड्रॉयड को सेलेक्ट पिक्सल करना है और उसे कोई भी कलर आप दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा आप येलो ही दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही वही है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। खैर उसके बाद आपको ऐसा ग्रेडियंट एक बना लेना है जिसके एक साइड में येलो हो और दूसरे साइड में ऑरेंज, देख लो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट होना चाहिए। और फिर इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट पिक्सल करके इन्वर्स करना, याद रखना इन्वर्स करना, और फिर उस इन्वर्स वाले सेक्शन में आपको ये एम्प्टी लेयर ले करके वहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको देखो यहाँ पे लाइट एंड डॉज करोगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। फिर उसे शेडो देना है आपको एक येलो कलर का, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे, सेलेक्ट पिक्सल करके एक्सट्रैक्ट करोगे, तो देखो ये एक अलग ही तरह का थोड़ा सा इनर शेडो बन जाएगा। अब सेम चीज़ हम एंड्रॉयड में भी करेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले इसका ऑपेसिटी जो है, ऑपेसिटी जिसको बोलते हैं, मैं आपको किसी बोलता हूँ, ओपैसिटी, हाँ ओपैसिटी इसे कम कर देंगे और थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे देंगे मर्ज करने के बाद, और उसके बाद अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, मैं इतना ही रखना चाहूँगा। खैर उसके बाद अब एंड्रॉयड पे काम करते हैं। एंड्रॉयड को सेलेक्ट पिक्सल करना है, फिर इसे कलर मतलब एक अलग तरह का ग्रेडियंट दे देंगे हम, जो कि इस तरीके का कुछ होगा जिसके बीच में ब्लैक होगा और दोनों साइड जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, देख लो। हाँ थोड़ा सा कम कर दिया, अब देख लो एक साइड ट्रांसपेरेंट है। अब चाहो तो दोनों साइड ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर दोनों साइड वाइट रख सकते हो, बीच में बस हल्का सा ब्लैक,
उसके बाद सेलेक्ट पिक्सल इनवर्स और उसके बाद फिर से कलर फिल एम्प्टी लेयर ले करके कलर फिल कर देना है। उसके बाद कलर फिल कर दिया आपने एम्प्टी लेयर पे, उसके बाद एक लाइट एंड डॉज करने के बाद इसे शेडो देना है अंदर की तरफ वाइट कलर का, जिससे एक अलग ही शाइन जो है वो टेक्स्ट में आ जाएगा, जो कि आपको थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा मैं। उसके बाद जो मेन आपका टेक्स्ट था उसको सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद लाइट एंड डॉज वाले लेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। याद रखना एक्सट्रैक्ट कर लेना है, देख लो, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लो और सुन लो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्रीसेट दूंगा, यानी जो मैंने अभी फोटो एडिट किया, लाइट रूम में एडजस्ट किया, कलर एडजस्टमेंट किया, वो उसी वही फोटो दूंगा। असल में वो एक प्रीसेट होगा जिसे आपको कलर करेक्शन खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर अब लाइट रूम ओपन करते हैं। अब देखो जो फोटो आप बनाओगे उसे और इस वाले फोटो जो मैं आपको प्रीसेट जो मैं दूंगा उस दोनों को सेंड कर देना है। फिर आपको जो मेरा प्रीसेट से यहाँ पे आप कॉपी सेटिंग कर लोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मेन जो फोटो होगा जो जिसको आपको कलर करेक्शन करना है उसे उसमें जा करके पेस्ट सेटिंग्स कर दोगे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद, तो ये अपने आप जो कलर एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, बताओ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में और लाइक जरूर से ठोक देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।